बॉलीवुड की एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के एक बड़े नामचीन आदमी को राखी बांधी और बाद में कुछ टाइम बाद अपने उसी राखी ब्रदर से शादी कर ली। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि शादी से पहले ही वो अपने राखी ब्रदर के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। आपने से बहुत सारे जो सिनेमा प्रेमी होंगे उन्होंने अब तक उस हीरोइन का नाम जो है वो गेस कर लिया होगा, और जो गेस नहीं कर पाए होंगे वो हमारे थंबनेल से अब तक वो जान चुके होंगे कि वो एक्ट्रेस कौन थी। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, वो एक्ट्रेस थी स्वर्गीय श्रीदेवी जी। नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं RR सिनेप्लेक्स। नागिन, मिस्टर इंडिया, चांदनी, निगाहें, जुदाई जैसी ढेरों दर्जने सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद भी उनके नाम के साथ एक भद्दी टिप्पणी की जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि वो एक घर तोड़ने वाली औरत है। इतना बड़ा स्टारडम, इतनी कामयाब एक्ट्रेस, आखिर क्या वजह थी कि जिसके नाम के साथ इस जैसी भद्दी टिप्पणी की जाती थी? आज इस वीडियो में हम आपको उसका एक कारण बताएंगे। करियर की शुरुआत में श्रीदेवी और बॉनी कपूर की एक्स वाइफ और स्वर्गीय मोना कपूर जो थी वो बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड हुआ करती थी। मोना कपूर ने तो श्रीदेवी को काफी सहारा दिया, उन्हें काफी सपोर्ट किया। इवन जब श्रीदेवी अपना स्ट्रगल कर रही थी बॉलीवुड में, तो उस टाइम मोना कपूर ने उन्हें अपने घर में रखा और उन्हें रहने की जगह दी। वक्त के साथ श्रीदेवी का करियर काफी स्ट्रांग हो गया था। फिर आई वो फिल्म जिसकी वजह से श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। वो फिल्म थी जाग उठा इंसान। ये 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसी फिल्म के दौरान श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती एक दूसरे के काफी करीब आ गए। हालांकि उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही शादीशुदा थे। फिल्म के शूटिंग के दौरान ही दोनों के प्यार की बातें हर कहीं होने लगी। मिथुन और बॉनी कपूर भी अच्छे दोस्त थे, तो वहीं दूसरी तरफ बॉनी कपूर की पत्नी मोना कपूर और श्रीदेवी भी एक क्लोज फ्रेंड बन चुकी थी, लिहाजा बॉनी और श्रीदेवी का मिलना अक्सर हो ही जाता था। बॉनी श्रीदेवी की खूबसूरती पे फिदा थे और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी किसी फिल्म में श्रीदेवी को बतौर हीरोइन जरूर साइन करेंगे। हालांकि श्रीदेवी इस बात से अनजान थी कि बॉनी के मन में उनके लिए क्या चल रहा है। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की मुलाकातों की वजह से कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती इनसिक्योर होने लग गए। वो जेलस फील करने लग गए थे और इसका सीधा असर उन दोनों के रिश्ते पे पड़ रहा था, यानी श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्ते पे पड़ रहा था। दोनों में अक्सर लड़ाइयां होती थी, बहुत सारी नोकझोंक होती थी, और एक दिन श्रीदेवी इन सबसे थक हार के उन्होंने मन बना लिया कि वो बॉनी कपूर को अपना राखी ब्रदर मान लेंगी और उन्हें राखी बांध दी, जिसके बाद से श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के रिश्ते बहुत अच्छी तरीके से सुधर गए। दोनों में अच्छा रिलेशन कायम हो गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सभी जिंदगियों को जो एक साथ जुड़े हुए थे, मोना कपूर, बॉनी कपूर, मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी, इन चारों की जिंदगी को हिला के रख दिया। वही मोना कपूर ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस राखी वाले बंधन के बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसे रिश्ते की सच्चाई आने वाली है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसकी खबरों के साथ एक साथ कई जिंदगियां बदल चुकी थी। वो वक्त था मिथुन चक्रवर्ती से श्रीदेवी का ब्रेकअप होना। इसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ, जैसे फिल्म मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी को 11 लाख रुपए देकर फिल्म की हीरोइन के तौर पे बॉनी कपूर का उन्हें साइन करना, श्रीदेवी की मां की तबीयत खराब होना और उसके बाद इलाज का पूरा खर्चा बॉनी कपूर को उठाना। इन सभी हालातों ने श्रीदेवी और बॉनी कपूर को साथ लाके खड़ा कर दिया, और इतने करीब लाके खड़ा कर दिया कि एक दिन मोना कपूर को पता चलता है कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है और किसके बच्चे की मां बनने वाली है, वो उन्हीं के हस्बैंड बॉनी कपूर के बच्चे की मां बनने वाली है। सोचिए मोना कपूर के लिए इस बात को यकीन कर पाना कितना मुश्किल रहा होगा। जिस शख्स को श्रीदेवी राखी बांधती थी, जिस शख्स को श्रीदेवी अपना राखी ब्रदर मानती थी, अब उसी शख्स से प्रेगनेंसी होने की खबर आई थी, अब उसी शख्स की वो माँ, बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सब कुछ जानना मोना कपूर के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, ये आप और हम आसानी से समझ सकते हैं। मोना कपूर के लिए, उनके दो छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कि उस वक्त जैसे अर्जुन है और अंशुला उस वक्त बहुत छोटे थे, ये दोनों बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए ये सब कुछ जानना, फेस करना बेहद मुश्किल था। श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। बहरहाल प्रेगनेंसी की खबर फैलते ही श्रीदेवी पर तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो गए।
अब क्योंकि श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी, इस वजह से बॉनी कपूर, मोना कपूर और श्रीदेवी के आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। मोना कपूर को मजबूरन बॉनी कपूर से अलग होना पड़ा और बॉनी कपूर और श्रीदेवी ने बहुत ही सिंपल तरीके से 1996 में मंदिर में जाके एक सिंपल तरीके से शादी कर ली। उस वक्त अर्जुन कपूर जो हैं, जो अब बड़े एक्टर हैं, बड़े नाम बन चुके हैं, वो और उनकी बहन अंशुला कपूर काफी छोटे थे। दोनों को स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को इस वजह से, बॉनी कपूर और श्रीदेवी की शादी की वजह से, काफी कुछ सहना पड़ा। स्कूल में बच्चे उन्हें टॉन्ट कसते थे, बहुत भला बुरा कहते थे उनको, जिसकी वजह से धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। और इन सब बात का खुलासा मोना कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था। मोना ने यह भी कहा कि इन सब चीजों का असर जहां पे उनपे नेगेटिव पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं अर्जुन और अंशुला जो थे वो इस कंडीशन को फेस कर रहे थे और ये सब चीजें धीरे धीरे जाके उन्हें स्ट्रांग बना रही थी। एक फिल्मी मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक लिख दिया था कि अपनी शादी के शुरुआती दिनों में श्रीदेवी बॉनी कपूर और मोना कपूर के रिश्तों को लेकर बहुत इनसिक्योर रहती थी। एक बार बॉनी कपूर अपनी पहली पत्नी मोना कपूर और अपने दोनों बच्चे अर्जुन और अंशुला के साथ पिकनिक पे गए थे और जैसे ही ये बात श्रीदेवी को पता चली थी, वो आग बबूला हो गई और उन्होंने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया और बाद में बॉनी कपूर को और मोना कपूर को बहुत, दोनों को बहुत कुछ सुनाया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उस फिल्मी मैगजीन ने इस बात को इस तरह लिखा था जिससे जो श्रीदेवी की इमेज थी वो कहीं ना कहीं घर तोड़ने वाली औरत की इमेज की तरह बिल्कुल मैच कर रही थी और वो इमेज जो थी उनके करियर के लिए, उनकी अपनी पर्सनल जो एक इमेज होती है उस पर कहीं ना कहीं डैमेज जरूर कर रही थी उनकी इमेज को ये बात। फिलहाल बॉनी कपूर की दोनों वाइफ, एक्स वाइफ मोना कपूर और श्रीदेवी, दोनों का ही निधन हो चुका है, दोनों ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। और जो बॉनी कपूर हैं अपनी बेटियों के साथ, खुशी कपूर और जानवी कपूर के साथ रहते हैं और उनसे मिलने के लिए अंशुला कपूर और अर्जुन कपूर हमेशा देखने को मिल जाते हैं। पेपरेजीज जो हमेशा अपने उन्हें कैमरे में कैद करते हैं, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोज जो हैं अक्सर सोशल साइट्स पर हमें नजर आती रहती हैं। तो देखा आपने किस तरह से राखी ब्रदर के रिश्ते से होते हुए जीवन साथी बनने तक का सफर पूरा किया बॉनी कपूर ने श्रीदेवी के साथ, और आखिर किस वजह से श्रीदेवी को एक वक्त कहा जाता था कि वो घर तोड़ने वाली औरत है। आपको ये सब चीजें, तमाम बातें जान के कैसा लगा हमें वीडियो कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे नए सब्सक्राइबर, जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं, प्लीज 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए और देखते रहिए सिनेप्लेक्स। और एक चीज, अगर आप टेलीविजन की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, टीवी स्टार्स की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा चैनल है टेलीफ्लिक्स, जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, जानिए अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ के बारे में और लेटेस्ट अपडेट जो टीवी की दुनिया में हो रहा है उसे, और क्या कीजिए उसे भी अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और कमेंट कीजिए। और एक चीज, अगर आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, नॉलेज लेना बहुत पसंद है, तो आपके लिए भी हमारा चैनल है आर इंफोटेनमेंट, उसका जो लिंक है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां जाइए, उसको लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वहां पे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। और प्लीज भूलिएगा नहीं, इस वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए बाय बाय।